Hello friends, welcome again in my YouTube channel of Biology Concepts. So in this video, we are going to discuss about DNA. As you all know, DNA, it is one of the nucleic acid which is acting as a genetic material found in living organism. So you can say it is a genetic material. DNA, it stands for deoxyribonucleic acid. And it is a large molecule, macromolecule consisting of million of nucleotides. So you can say this consists of nucleotides. तो अब स्टूडेंट्स आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स होते क्या. अभी तुम लोगों ने बोला कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं. अब बात आती है कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं. तो जो हर एक न्यूक्लियोटाइड है वो बना हुआ है एक पेंटोज शुगर का, पेंटोज शुगर प्लस यहाँ पे नाइट्रोजन बेस होते हैं, वो हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, और होती है यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप होता है. ओके, फॉस्फेट ग्रुप. आई एम यूजिंग डिफरेंट सिंबल फॉर दीज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो इन दिस वे यू कैन राइट हियर. सो यू कैन राइट इन दिस वे लाइक पेंटागॉन, राइबो शुगर, शुगर. This is nitrogenous base and this is phosphate. Okay, so these all three together will form nucleotides. तो अब बात आती है कि what are nitrogenous bases? तो nitrogenous bases क्या होते हैं, अब हम लोग ये देख लेते हैं. तो nitrogenous bases basically होते हैं purines और pyrimidines, जो कि purines हैं और यहाँ पे नंबर टू में पायरिमिडीन्स. प्यूरिन्स में आएंगे एडिनिन और ग्वानिन. देयर आर टू प्यूरिन्स, एडिनिन एंड ग्वानिन. एंड इन पायरिमिडीन्स देयर आर टू पायरिमिडीन्स. हियर यू कैन राइट नंबर वन, नंबर टू. एंड हियर यू कैन राइट पायरिमिडीन्स साइटोसिन एंड नंबर टू इज थायमिन. थियामिन नहीं लिखना है यहाँ पे, थियामिन विटामिन ए का केमिकल नेम हो जाएगा. ओके, सॉरी विटामिन बी वन का केमिकल नेम हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको थियामिन ना लिख के लिखना है थायमिन. अब हम लोग बात करेंगे कि जो डीएनए है वो बना हुआ है रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड्स का, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ लिया. अब हम लोग को ये देखना है कि हालांकि डीएनए की जो सबसे पहले डिस्कवरी करी थी उसके लिए साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मेशर, जिन्होंने डीएनए को फर्स्ट सेल्स में के न्यूक्लियस में देखा था. अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वन पिक्चर आई हैव टेकन फ्रॉम यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन. सो इन दिस पिक्चर इट इज गिवन द डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक. देयर वर टू साइंटिस्ट, दे वर कोवर्कर्स, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. Actually, this DNA molecule consists of two polynucleotide chains, okay, and which are long. कैसी chains हैं ये? Long हैं, parallel and spirally coiled around the same axis, you can say. And these chains form a double helix, like a spiral staircase. Like a spiral staircase, you can write here double helical model of DNA. And the sugar and phosphate units form backbone. यहाँ पे जो शुगर है और जो फॉस्फेट है मींस एस एंड पी, दे विल फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन. हियर इट इज रिटन इन डायग्राम. एंड पेयर नाइट्रोजन बेसिस फॉर्म्स द सेंटर. यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस हैं और ये इनके सेंटर पे हैं, जिस तरीके से स्टेयरकेस में स्टेप्स बने होते हैं. एंड बोथ द स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टूगेदर बाई कौन सा बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म. Which types of bonds are found here? Weak hydrogen bonds are found, which is present between nitrogenous bases of two strands. And pairing between the nitrogenous bases is such that always a purine pairs with pyrimidine.
एक प्यूरीन हमेशा एक पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड बनाएगा. वन प्यूरीन मेक्स बॉन्ड विथ पायरिमिडीन्स. ओके, सो पेयरिंग ऑलवेज अगर सपोज एडिनिन इज अ प्यूरीन, इट विल मेक बॉन्ड विथ थायमिन एंड साइटोसिन विल फॉर्म बॉन्ड विथ गुआनिन. द ट्रिपल बॉन्ड्स मीन्स वन प्यूरीन वन पायरिमिडीन. So you can write here, there are always two hydrogen bonds A and T and three hydrogen bonds between C and G. तो हम लोग यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि ये bond इस bond के comparison में weak है. C और G triple bond है यहाँ पर, तो ये ज्यादा stronger होगा three hydrogen bonds. इस तरीके की base pairing को हम लोग बोलते हैं complementary pairing. इस तरीके की base pairing को हम लोग क्या बोलेंगे friends? Complementary pairing. एंड पेयरिंग इज ऑलवेज बिटवीन प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, आई टोल्ड यू. ओके, एंड डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन आर ऑलवेज इक्वल इन नंबर. जितने एडिनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे. ये आपको याद रखना है कि जो प्यूरिन और पायरिमिडीन होंगे ऑलवेज इक्वल इन नंबर होंगे. ऐसा तो चारगाफ रूल ने भी बोला था. तो ये टेंथ लेवल पे हालांकि चारगा फूल वगैरह हम लोग नहीं पढ़ते हैं. तो डबल हेलिक्स लाइक स्पाइरल स्टेयर केस है, ये मैंने आपको बताया. और एक कंप्लीट टर्न को टर्न करने के लिए इट टेक्स कंप्लीट टर्न आफ्टर 34 एंगस्ट्रॉम, यू कैन राइट हियर. ओके, एंड देयर आर 10 बेस पेयर्स इन अ कंप्लीट टर्न. एक कंप्लीट टर्न में 10 स्टेयर केस होंगे. आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस वन इज 10. तो एक राउंड को क्वाइल करने के लिए यहाँ पे 10 बेस पेयर्स होंगे. और जो विथ होगी डीएनए मॉलिक्यूल की वो होगी, विथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 20 एंगस्ट्रॉम. विथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगी? 20 एंगस्ट्रॉम. एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड हेलिक्स आर जॉइंड टूगेदर. ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड बने राइबोस शुगर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन के बेस के. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके क्या बना रहे हैं? डीएनए बना रहे हैं. तो ये आपके माइंड में ये भी तो आ रहा होगा कि आखिर ये किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. तो उस बॉन्ड का नाम है स्टूडेंट्स फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड. दोनों नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड मिलेगा वो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड. और यहाँ पे मिलने वाला बॉन्ड है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, यू कैन राइट हियर. ओके फ्रेंड्स, तो बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया, फंडामेंटल्स में आपको लर्न रखना है. दो तरीके के बॉन्ड्स हम लोगों को मिल रहे हैं. पहला बॉन्ड हम लोग को यहाँ मिला वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि नाइट्रोजन बेस के लेवल पे मिल रहा है. दूसरा बॉन्ड हम लोगों को मिला एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स बने हैं शुगर, राइबो शुगर, जो हम लोगों ने यहाँ पे पेंटो शुगर लिखा है. आप चाहें तो यहाँ पे राइबो शुगर भी लिख सकते हैं. 5 कार्बन कंटेनिंग ग्रुप होगा राइबोज में. तो यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मिलने वाला. आप इसकी थोड़ी सी डायमेंशन भी लर्न रखेंगे. और आपको बेसिक ये भी पता होना चाहिए कि इसकी बैकबोन कौन बना रहा है. कभी भी इसके बेस पेयर्स बैकबोन नहीं बनाते हैं, शुगर और फॉस्फेट ग्रुप मिलकर इसका बैकबोन फॉर्म करेंगे. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये बेसिक डीएनए, बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो सीरीज फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल इन दीज वीडियोस. दीज वीडियो सीरीज इज बेसिकली फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स, सो ऑल द क्लास 10th स्टूडेंट्स कैन गो थ्रू इट. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड वेरी वेल एंड आई होप वी विल मीट सून. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग मी वंस अगेन, फॉर लिसनिंग मी. And I hope we will meet soon. Take care. Bye.